ओडिशा जगरनॉट्स तेलुगु योद्धास के सामने भिड़ रहे हैं। पहला पॉइंट ड्रीम रन का ओडिशा जगरनॉट्स का डिफेंस। 3.5 मिनट होने वाले हैं घड़ी पर। पावर प्ले नंबर 2 आ चुका है, उसके बाद आउट गौतम, लेकिन 2 ड्रीम रन लगाए। किसी भी पट्टी को या सेंटर लेन के किसी भी इलाके को आप छू नहीं सकते। ड्रीम रन, साथ में ड्रीम रन लीजिए। 4 मिनट अभी भी बाकी हैं। 4 मिनट में 4 पोल डाइव, और सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी जो इस बैच से बचे हैं वो आकाश चौगारे हैं। है से थे होने में फर्क नहीं लगता, समय नहीं लगता। कितनी देर खींच पाएंगे और नहीं, दिलीप ने शिकार बनाया। दिलीप ने अब तक एक भी ड्रीम रन नहीं लगाया, उन्हें तो टाइम निकल गया है। मैक्सिमम एक टच की गुंजाइश, स्काई डाइव अपील सुन ली गई है। फिर चारा ही, ओ वजीर कहीं भी जा सकता है। क्या डिफेंस है, ओमकार सोना बने, सोने से तोड़ दिया जाए इस डिफेंडर को। ड्रीम रन पूरा किया, वो सोने पे सुहागा है। 30 सेकंड यहां से आप देखे जाएंगे ड्रीम रन, 30 सेकंड हो गए। गो ऑन टू 2 पॉइंटर ड्रीम रन। चलिए चोक सपा, 30 सेकंड का समय बचा है। एक शिकार कुर्की ने निकाला है, बहुत देर से देखा। मुझे लगता है कि इसमें आदित्य गनपुले की नहीं थी, ड्रीम रन हुआ। अवधुत ने इस संस्करण में बहुत अच्छा आला दर्जे का परफॉर्मेंस अब तक नहीं किया था, लेकिन ये खिलाड़ी जबरदस्त है। ड्रीम रन एक और आया। सिर्फ अवधुत बचे हैं, बल्कि ऐसे क्षण पे बचे हैं जहां ड्रीम रन उनसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड दूर था। और जैसे ये दौड़ लगाए ड्रीम रन आया, एक और पॉइंट योद्धा से पाया। 8 पॉइंट की लीड है और यही फाइनल स्कोर रहने वाला है। 35-27 से ओजे ओडिशा जगरनॉट्स तेलुगु योद्धास को हराने में कामयाब हुए हैं।